तो बापूजी, धार्मिक युद्ध और विश्व शांति में आपस में क्या संबंध है? धार्मिक युद्ध और विश्व शांति, देखो विश्व के अर्थ तो एक ही हैं। जैसे हम विश्व मानते हैं दुनिया वाले, उसे विश्व धर्म वाले मानते हैं, धार्मिक लोग मानते हैं, विश्व तो वो ही है। लेकिन धर्म जो धर्म का नहीं है, धर्म दिशाहीन है भेद से, अपने आप को धर्म अलग अलग मानते हैं, वो धर्म नहीं, उनको धर्म नहीं माना जा सकता, वो मते हैं। धर्म वो चीज है, वो विचारधारा है जो परमेश्वर के द्वार में जिसने ये सृष्टि बनाई है उसको कबूल हो, वो नेचर के अनुकूल है, जो धर्म वो धर्म है। नेचर एक धर्म ही है, सूरज का धर्म है टाइम पे, और उसका धर्म है टाइम पे चढ़ना, टाइम पे छिपना, दिन रात मरना, मौसम, ये सारा सिस्टम एक धर्म ही तो है। किस मौसम में कौन सा फूल खिलता है, किस मौसम में कौन सा फल पकता है, ये सब सिस्टम क्या है, सब नियमबद्ध है, धर्मबद्ध है, धर्म के नियम ही तो होते हैं। अगर वो अपनी ड्यूटी ना करे, बरसात लेट हो जाए, जैसे हमारी गाड़ी ट्रेन लेट हो जाती है, बंद कर दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कुदरत में। जो सोच परमेश्वर की है, ये संसार क्यों बनाया, इसका क्या लाभ है इंसान के लिए, इंसान ने यहाँ जन्म लिया है, लेके तो कुछ आया नहीं, ना कुछ लेके जाएगा, तो फिर फजूल ही बनाया। नहीं, लेने आया है कुछ, पर ऐसा कुछ लेने नहीं आया जो मैं देख रहा हूँ। लेने क्या आया है, इसकी बुद्धि कम है, कम बुद्धि वाले झगड़ा करते हैं आपस में, घर में, पार्टी में, मोहल्ले में, देश में, कम बुद्धि वाले झगड़ा करते हैं, पूरी बुद्धि वाले तो झगड़ा नहीं करते। तो इनका झगड़ा था, मतभेद थे सचखंड में, इन्हें अलग कर दिया इसमें, कि तुम भाई यहाँ रहो, आदत हमारी खराब हैं, खोटी हैं, मिलके हम रह नहीं सकते, स्वार्थ ही हम हैं, इसे छोड़ नहीं सकते, बेईमानी हमारी माँ है, इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो ये धर्म जो है हमारे दूसरे, उनमें ये कोई बात नहीं, बेईमानी थोड़ी बहुत रखो, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्रोध है, क्रोध भी चाहिए भाई, दूसरी मत वाला अगर तुम्हारे थप्पड़ मारे, अगर तुम्हारे ईंट मारे, तुम पत्थर मारो उसको, यानी रिवेंज की भावना उनमें है। एकता नहीं मानना, हमारे धर्म मानने वाले अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं, यानी उनमें वो धर्म तो है नहीं, नफरत आ गई, वो स्वार्थ आ गया, धर्म से नीचे गिर गए। अब ये इनको हम मानते हैं धर्म, जब ये लोग लड़ते हैं, ये तो लड़ते हैं स्वार्थ के लिए, विनाश, उसमें विनाश होता है। जो धर्म लड़ता है ना, जब वो इनसे लड़ता है धर्म, जो धर्म के नाम पे लड़ते और लड़ाते हैं, जैसे हम लड़ रहे हैं सारे इकट्ठे होके, कभी एक धर्म है वो मिस हो गया सबसे, और उसे ढूंढने क्या है, जो नहीं मानता उसे मनाएं, डायलॉग से, प्रेम से मनाएं, समझा के मनाएं, जो फिर भी ना माने उसका इलाज क्या करना है, वो बाद की बात है।
सारे मिलके कर लेंगे, इसको रहेगा तो हमारा ही भैया, इसको पावर मत दो, चल भाई ठीक है, रोटी पानी नहीं काम करना मत कर, पर बड़बड़ नहीं करने देंगे, चुप, खाना पीना अच्छा खा, तो अधर्म की अधर्म मत फैला। तो जब बैन होगा धर्म फैलाने पे, कानूनी सामाजिक, ये हम चाहते हैं, फिर एकता अपने आप हो जाएगी, सारे मसले हल हैं। धर्म की लड़ाई में विश्व एकता होती है, जब धर्म लड़ता है विश्व एकता के लिए लड़ता है, धर्म तो लड़ता ही विश्व एकता के लिए है, लेकिन जिन्हें तुम धर्म मान रहे हो वो धर्म है ही नहीं। धर्म कभी लड़ता है, जो धर्म लड़ेगा तो सुलह कौन कराएगा, धर्म अब लड़ाई नहीं लड़ रहा, ज्ञान की इन्हें समझा रहा है, समझा के एकता करवा रहे हैं हम, विचारों की लड़ाई है, डायलॉग है, वो डायलॉग की लड़ाई नहीं लड़ते। धर्म हमेशा लड़ाई करेगा डायलॉग की करेगा, चर्चा ज्ञान चर्चा की लड़ाई करेगा, तो ये कौन ज्ञान चर्चा करता है, इनमें करता है, जो ज्ञान चर्चा की लड़ाई छोड़ देता है वो धर्म रहता ही नहीं, वो संप्रदाय हो जाता है। मुझे याद है संप्रदाय के लिए डेफिनेशन की बात चली थी, संप्रदाय क्या होता है, राजीव गांधी के जमाने की बात है, इन विद्वानों को ये नहीं पता कि संप्रदाय और धर्म में क्या अंतर है, हम भी सुनते थे। तो मैंने बाबा चेत सिंह से कहा कि हम बता दें इन्हें क्या होता है, कि तुम अब बैठे रहो, अभी टाइम नहीं है तुम्हारा, ये 50 साल पहले की बात है, 50 साल से भी ज़्यादा पहले की, ना ये राजीव तो नहीं, पहले की बात है, उससे भी पहले की संप्रदाय, जवाहरलाल होता था जब वो कहता था ड्यूटी ही धर्म है, फिर राजीव के जमाने में भी ये हुआ धर्म संप्रदाय, जब भी डेफिनेशन नहीं आई, तुम सोचते थे कि टाइम आएगा जब बात करेंगे, जब टाइम आया हमने वहाँ, अब टाइम है बात कर रहे हैं। संप्रदाय ये है कि कुछ ग्रुप को, ग्रुपिज्म संप्रदाय है, जैसे कम्युनिस्ट कहते हैं कि हमारे कम्युनिस्ट भी इन अच्छे हैं, इनकी फेवर करो, जब हमारा राज होगा इनको आगे बढ़ाएंगे, इनको सहूलतें देंगे, वो भी संप्रदाय है, ये सांप्रदायिक सोच है, सियासी पार्टी सांप्रदायिक सोच है, जो हमारा है ये हमारा नहीं है, ये सांप्रदायिक सोच है, धर्म नहीं है। धर्म की सोच है कि सभी हमारे हैं, हम सबके हैं, ये सोच नहीं छोड़ सकता धर्म, चाहे वो दुश्मनी भी हो उसका, वो कहेगा ये बेवकूफ है, अब ये नशे में है, जैसे कोई शराबी हो मोहल्ले में रोड में चाहे हाय हल्ला करे, जो उसे मतलब है समझाने जाए उसे धक्का दे दे या गाड़ी भी दे दे, वो कहें यार इसे क्या कहें, अभी नशे में है, कल को देखेंगे, ठीक है इसे माफ़ कर दो अब, नहीं तो जो उसे पीटने लगे वो तो मर जाएगा सारे। तो उसमें एक शक्ति है माफ़ करने की, धर्म में, धार्मिक आदमी में, ऐसे लिखा ना, फॉर गिवनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज, बदला लेने की सबसे बड़ी जो है तरीका है, अच्छा बदला तुम ले सकते हो उसे माफ करके, सबसे बढ़िया बदला तुम ले सकते हो उसे माफ कर दो, उसका गुनाह माफ कर दो, उसके मन पे इतना बोझ पड़ जाएगा वो खुद ही मर जाएगा अंदर ही अंदर। एहसान से मारो, नुकसान से ना मारो, नुकसान से कोई मरा नहीं, एहसान से मरा जो मरा, भगवान हम पे एहसान करता है, हमारा नुकसान नहीं करता, और एहसान से ही मारता है, हम उसे मानते हैं, एहसान करता है
कितना उसकी मुखालफत करो तो भी एहसान करता है। जान को दे तो अजान को दे तो जमीन को दे तो जमाने को दे है, वो सबको देता है। कोई गाड़ी निकालो उसे भी देता है, कोई ना निकालो उसे भी देता है। वो इग्नोर करता क्योंकि उसके हैं। अपने को कैसे रैपट मार दे, कैसे बुरा कह दे, ये पागल हैं तो पागल को तो माफ करना ही चाहिए। जब हमें एहसास होता हम कितने पागल थे और कितने पागल हैं, फिर उसकी कीमत होती है कि वो कौन है। अभी तो नशा ही और है, हमें अहंकार का नशा है, नशा उतरे दूसरा नशा आए फिर वो समझ जागे, सोई सोई फिर जागती है, नहीं तो नशे में धुत है, नशे में सोई हुई है अहंकार में। धर्म को अच्छा लगता ही नहीं किसी को, सुन लेते हैं छोड़ देते हैं, जो भी हमारे काम की चीज नहीं है। जैसे मेरा अहंकार मजबूत होता है, मेरी मैं मजबूत होती है, मेरी संसार में इज्जत मजबूत, वो बात हमें अच्छी लगती है। इन्हें कौन समझाए कि जिन्होंने ये रास्ता चलाया उनकी इज्जत हमेशा के लिए हुई है, जिन्होंने वो रास्ता चलाया अपनी इज्जत बनाने का उनकी इज्जत बनी ही नहीं किसी की। बताओ किसकी बनी आज तक? बड़े बड़े राजे होकर चले गए, कोई पूछता है? भक्तों ने इज्जत नहीं बनाई, लेकिन उनकी इज्जत जाती नहीं। अब उन्होंने नीचे को जड़ गहरी की है, इज्जत ऊपर नहीं दिखाई। ये राजे अहंकार की इज्जत बाहर होती है, पौधा होता जड़ होती ही नहीं। ये बगैर जड़ के इज्जत है अहंकार की, वैसे गिर जाता है पेड़। जब तक आदमी पब्लिक खड़ी रहती है पेड़ को थाम के, जब तक खड़ा है, जब पब्लिक परे परे होगी अपने आप गिर गया। और जो एक लीडर है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे बादल था, पब्लिक साथ थी तो इज्जत थी, पब्लिक परे परे हो गई दौड़ पेड़ गिर गया, इज्जत ही नहीं। महसूस कर रहा है, दुनिया भी देख रही है, इज्जत कहाँ गई? किसी के आश्रय इज्जत थी, अपने बलबूते पे इज्जत नहीं थी। झूठी इज्जत थी वो, सच्ची इज्जत नहीं थी। जिसकी सच्ची इज्जत है वो जा ही नहीं सकती, उसकी जड़ गहरी है, बाहर दिखाई नहीं देती, नीचे पताल में है उसकी जड़, वो तो हरी रहेगी। बाहर दिखाने जो बाहर दिखाता है इज्जत, उसकी उम्र थोड़ी है, जो दिखाता ही नहीं उसकी हमेशा रहती है। जमीन के नीचे पानी हमेशा रहता है, ऊपर का सूख जाता है। बड़े बड़े दरिया सूख जाते हैं, बड़े बड़े लेक सूख जाते हैं, ऊपर का पानी सूखता है, नीचे का सूखता ही नहीं। ऊपर का भी नीचे ही जाएगा और कहाँ जाएगा? तो ये धर्म जो है, धर्म लड़ता ही शांति के लिए है, उसका समझाना ही उसका लड़ना है। वो समझाता है सबको कि तुम्हें ये गलती है, तुम्हें ये गलती है, तुम अपनी गलती निकाल दो, सब एक हो। यही अब हो रहा है और क्या हो रहा है? अपने राज जो धर्म का आदमी चाहेगा, इच्छा होगी सत्ता प्राप्ति की, वो धर्म का आदमी होता ही नहीं। दलाई लामा ने अब ये बात मान ली, उसके समझ में आ गई, उसने मान ली। मैंने कहा उसकी गलती थी, सत्ता का त्याग करता तो सत्ता उसके पीछे पीछे रहती। अब उसे समझ आ गई कि अगर हम इस तरीके से चलें तो सत्ता तो हमारे सत्ताधारी हमारे नीचे रहेंगे धर्म का आदमियों के, बस यही इज्जत है और इज्जत क्या है? राज करेंगे करने वाले, कराने वाले का राज होता है, करने वाले का नहीं होता। जैसे परमेश्वर है वो राज करवाता करता नहीं है, लेकिन राज तो उसका माना जाता है ना हमेशा।
करने वाले का कुछ दिन उसका हमेशा, करवाने वाले का राज हमेशा होता है, करने वाले का हमेशा नहीं होता। करने वाला तो बेचारा राज करने के लायक नहीं है, वो तो उसकी कृपा मेहर है, उसने कह दिया कि तू राज कर ले तो उससे मैं करवा लूंगा। अगर तो उसके अनुकूल राज करता रहे फिर तो ठीक है, डर के राज करे। अगर उसे अहंकार हो जाए मुझे परमेश्वर ने राज दे दिया अपनी मर्जी, तो गया वो, फिर क्या। ऐसे ही था ये सिख, ये गुरु से अरदास करते, मुझे ये जता दे, मुझे ये दे दे, फिर गुरुद्वारे जाते, मिनिस्ट्री मिल गई वहाँ के, मुझे राज दे दिया, फिर उसका अहंकार हो जाता, तुझे दे दिया ना गुरु ने, मुझे दे दिया, बस मर गए। बुद्धिहीन लोग हैं ये सब, ने क्या पता सिखी क्या है, क्या जाने सिखी क्या है, उन तो बिल्कुल एक छोटी मिनिस्ट्री पे ही है तो मर गए, वो भी 5 साल पता नहीं होने, पता नहीं 1 साल में जवाब हो जाए। इतनी घटिया जिनकी वृत्ति हो वो क्या राज करेंगे, क्या पब्लिक का भला करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। बहुत निम्न दर्जे के स्वार्थी लोग हैं, निम्न दर्जे के। अब ये लोगों को, इन लोगों को तो इलेक्शन लड़ने की याद नहीं मिलेगी। फिर जब धर्म एक हो जाएगा इन लोगों की कोई बूझ बिल्कुल नहीं रहेगी, ऐसे लोगों की, या इन्हें बदलना पड़ेगा। जब बदल जाएंगे, जब तसल्ली हो जाएगी, तो कभी इनको हो सकता है मौका मिल जाए इलेक्शन लड़ लो, वरना नहीं। तो ये कब चाहेंगे कि ऐसा हो जाए। धर्म की बातें करते हैं, बातें तो कर ली धर्म की, अब हम कहेंगे आओ धर्म का राज करें, ना तो मुसलमान भाग सकते हैं, वो रोज कहते हैं धर्म का होना चाहिए, धर्म का होना चाहिए, मुसलमान तो भाग नहीं सकते, ईसाई भाग जाएंगे, ईसाई तो धर्म को मानते ही नहीं, ईसाई चुप भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो है पोप वो चाहेगा, अब तक नहीं जाता तब चाहेगा तो मैं ऊपर आता हूँ, अब चाहेगा, पहले नहीं जाता था, और पता है छोटी सरदारी छोड़ के बड़ी मिल रही है, छोटी सरदारी थी बड़ी मिल रही है, छोटा देश छोड़ के बड़ा देश मिल रहा है, सारे विश्व जिसका देश हो वो रोम से ही या ईसाइयों से यहूदियों से ही मतलब रखे, इससे खुश हो तो बेवकूफ नहीं, तो और क्या। जिसको विश्व के सारे लोग माने इज्जत दें, वो केवल ईसाइयों यहूदियों से इज्जत लेके ही खुश हो, पर बुद्धिहीन नहीं तो और क्या। बदलेंगे तो अच्छा है, ना बदलेंगे कोई बूझेगा नहीं, फिर क्या होगा, क्या होगा, सब त्याग देंगे, बुद्धिहीन है। ये मजबूरी है लोगों की आना यहाँ, कि धर्म से बंधे हुए हैं, या तो छोड़े हम धर्म को नहीं है, या फिर वो आए आए ऊंट पहाड़ के नीचे। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा तो ऊंट को अपनी औकात का पता लगता है कि तू कितना बड़ा है, नहीं दूर से तो पहाड़ के बराबर ही ऊंट समझता अपने आप को, ऊंट को ऐसा लगता है ज्यादा पहाड़ मुझसे छोटा हो दूर से, कि मैं तो नीचे खड़ा हो गया पहाड़ के ऊपर का जो पेड़ है ना उसे भी खींच लूंगा। जैसे जैसे पहाड़ के करीब आता है ऊंट छोटा होता जाता है, पहाड़ बड़ा होता है, हालांकि ऊंट भी उतना है पहाड़ भी उतना ही है, ना पहाड़ बड़ा होता है ना ऊंट छोटा होता है, पर ऊंट को महसूस होता है तू छोटा है मैं बड़ा हूं, ये बड़ा है। इतने तो जानवर भी जानते हैं,
इतना तो जानवरों को भी ज्ञान हो जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर गुरुओं को ज्ञान नहीं होगा तो फिर तो जानवरों से भी कम अकल है नहीं। कोई ऐसा आदमी नहीं रहेगा धर्म जो इसे इसका विरोध करे। जब मैं बोल के आया था पोप के आदमी थे, पोप खुद नहीं था उसमें, दलाई लामा खुद नहीं था, गुरु है ना, विद्वान थे। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया और आदमी बुला बुला के कि बताओ भी ये बता के गया आदमी इसमें क्या नुकसान। किसी ने कोई कहीं भी संशोधन की बात नहीं कही। सब धर्म जब मान गए तो फिर उन्होंने फॉरवर्ड किया एजेंडा आगे जाके। और 193 जो देश हैं उनके इस पे साइन हुए कि अगर हम विश्व शांति चाहते हैं तो ये फार्मूला है, बताओ भाई तुम अपने धर्मों से ये फार्मूला इसमें कोई कमी है। बोले कोई कमी नहीं। तो फिर ना मानना अगर की बात जब आती है तो पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है। अब क्योंकि पब्लिक को आज़ादी मिलने की बात कहता है धर्म, सही मायनों में आज़ादी। अब आर्थिक चुंगल में जो जकड़ी हुई है जनता, लोन के चुंगल में, वो महसूस करते हैं कि हमारी ज़िंदगी जा रही है, हम सुबह से शाम तक भागम भाग करते हैं तो पैसे सारे कट जाते हैं वहाँ, क्या हमारी यही जिंदगी है, यही लेने आए थे, खाना पीना सोना, कार में चले गए, पेट्रोल फूंक दिया, जीवन का इससे डिप्रेशन में चले गए वो लोग, जाते ही उसे बाहर भी नहीं निकल सकते, रोटी कहाँ से खाना, कि यही मेरा जीवन है। उसके लिए घूमने चले जाते, भूलने गए, ये वो सब ऊब गए लोग। यहाँ खड़ी है बात,